नमस्कार साथियों, इस बार परीक्षा परिणाम शाला दर्पण से ही तैयार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शाला दर्पण पर कक्षावार समय की सूचना निकालने हेतु ऑप्शन प्रारंभ किया जा चुका है। उसी ऑप्शन पर कार्य प्रक्रिया आपको मैं रामनिवास मेहरा इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो साथियों, आपसे सबसे पहले मेरा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और घंटी वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरी इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए साथियों, देखते हैं संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको आपके विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। इस तरह का होम पृष्ठ आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहां पर मिलेगा स्माइल 3.0 टैब, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। नए ऑप्शन आपके सामने खुलकर आ जाएंगे। अब यहां आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो अभी ही प्रारंभ किया गया है, क्लास वाइज रिजल्ट 2021-22। तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस तरह का नया पेज अब आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो आपको यहाँ सेशन ऑलरेडी 2021-22 मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ क्लास सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो जिस क्लास की भी आप सूचना निकालना चाहते हैं वो क्लास यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ नीचे ऑप्शन मिलेगा सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए, आपसे कहा जा रहा है, तो यहाँ क्लिक करके आप उस कक्षा का सेक्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सबसे अंत में आपको ऑप्शन यहाँ अवेलेबल करवाया हुआ है गो का, तो इस गो वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। अब इस तरह की इन्फॉर्मेशन खुलकर आपके सामने आ जाएगी। यहाँ आपको छात्र का नाम मिल जाएगा, यहाँ छात्र की मदर का नेम मिलेगा, फादर का नेम मिलेगा, DO भी मिलेगी। उसके बाद आपको यहाँ आगे छात्र के SR नंबर भी शो होंगे, आपने जो रोल नंबर डिजाइन किए हैं वो रोल नंबर आपको यहाँ शो होंगे, छात्र के कितनी परसेंट बनी है वो भी आपको यहाँ शो हो जाएगा, छात्र के ग्रेड क्या है तो वो आपको यहाँ शो हो जाएगा, और छात्र का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो शो होगी, छात्र का रिजल्ट क्या रहा है तो यहाँ आपको मिल जाएगा प्रमोटेड। तो इस तरह आप ये जो सूचना है यहाँ से निकालेंगे। अब साथियों, यहाँ आपको एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मुझे मेरे जब मैं सूचना प्रिंट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ एक ही स्टूडेंट मिल रहा है, हो सकता है आपको यहाँ नो रिकॉर्ड फाउंड का ऑप्शन भी मिल जाए। तो उसका कारण ये रहेगा कि आपने जो आपके बच्चों का जो रिजल्ट है वो वेरीफाई नहीं किया होगा, तो आपको यहाँ नो रिकॉर्ड फाउंड मिलेगा। इसलिए आप सूचना प्रिंट करने से पहले सभी विद्यार्थियों का रिजल्ट वेरीफाई अवश्य कर लीजिएगा, और वेरीफाई करने के बाद ही सूचना निकालिएगा, ताकि आपको यहाँ जितने भी आपके विद्यार्थी उस कक्षा में उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ सही मिले। मैंने भी अभी एक ही बच्चे का रिजल्ट जो है वो वेरीफाई किया है इस कक्षा में, तो मुझे एक ही नाम यहाँ शो हो रहा है। तो आपको इस बात का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि सभी रिजल्ट वेरीफाई करने के बाद ही आप सूचना प्रिंट करें। अब इसको प्रिंट करने के लिए आपको ऑप्शन कहाँ मिलेगा, तो वो ऑप्शन भी मैं बता देता हूँ आपको। आपको यहाँ प्रारंभ में ही ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया है, जहाँ आपको मिलेगा स्टार्ट में स्टूडेंट रिजल्ट, उसी के सम्मुख आपको यहाँ प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप यहाँ क्लिक करके इसका प्रिंट, प्रत्येक कक्षा की सूचियाँ आपको निकालनी है, उनका प्रिंट लेना है, और आपके स्थायी रिकॉर्ड में ग्रीन शीट के साथ इन्हें रखना है। और साथियों, फिर भी आपको किसी तरह की समस्या आ रही है शाला दर्पण पर रिजल्ट मेंटेन करने में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं इसी तरह के अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।